हेलो फ्रेंड्स, अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विस 2019-19 में ये साइज रखेंगे तो हमारी फोटो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। साइज नोट कर लीजिए, हाइट रखनी होगी 800 पिक्सल, विड्थ लगनी होगी 600 पिक्सल। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी फोटो का साइज 30 KB से 100 KB के बीच में। सबसे पहले आपने जो फोटो है जिसका साइज बनाना है उसको राइट क्लिक करना है, ओपन विद पेंट कर लीजिए। अगर यहाँ पे ऑप्शन पेंट का नहीं आ रहा तो चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम में जाके आप पेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ये जो फोटो है हमारी पेंट में खुल जाएगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप तीन डॉट देख सकते हैं, एक डॉट यहाँ पे रहा, ये हमारा विड्थ के लिए है, और एक कॉर्नर में है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, और एक नीचे दिया गया है, ये हमारा हाइट के लिए है। अब जैसे कि आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते होंगे, मेरी जो फोटो है इसमें 430 और 488 पिक्सल दिए गए हैं। 488 पिक्सल है वो हाइट के लिए हैं और 430 पिक्सल है वो विड्थ के लिए हैं। अब हमने इसको सेट करना है कि जो हमारी हाइट है 800 पिक्सल हो जाए और जो विड्थ है 600 पिक्सल हो जाए। इसको हमने इस प्रकार से करना है, जो हाइट वाला पिक्सल है हमने उसको देखना है, अगर हिलाएंगे तो नीचे भी हिलेगा, उसको हमें 800 पे लाना है। अगर 800 पे नहीं आता, 790 पे आता है या 810 पे आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने पूरे का पूरा 800 पे कर लिया और अब मैंने इसकी विड्थ सिलेक्ट करनी है 600, जैसे 602 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, सिलेक्ट में आपने अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है और इस वाले डॉट को पकड़ के हमने यहां तक लाना है और इस वाले को पकड़ के यहां तक लाना है। इससे हमारा क्या होगा, जो फोटो का साइज है वो 800 हाइट हो गई, 602 विड्थ हो गई है, जो कि मैंने बताया था। अब इसको हम सेव करेंगे और देखेंगे इसका साइज मतलब वेट क्या बन जाता है। इसका वेट हो गया है सर 81.3 KB, जो कि हमें चाहिए था 20 KB से लेके 300 KB के बीच, तो ये सही है। अगर हम सिग्नेचर का साइज ये रखेंगे तो इससे हमारे सिग्नेचर भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। हाइट रखनी होगी 500 पिक्सल, विड्थ रखनी होगी 800 पिक्सल, साइज हमारा 30 से 100 के बीच में बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। सिग्नेचर को राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद पेंट करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मेरे सिग्नेचर मैंने सिलेक्ट किए हैं उसकी जो हाइट है 158 पिक्सल है और विड्थ है 500 पिक्सल, तो मैंने विड्थ करनी है 800 पिक्सल अप्रोक्सीमेट और हाइट करनी है 500 पिक्सल अप्रोक्सीमेट। ठीक है, मैंने 803 और 507 लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिलेक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा, और कॉर्नर वाले से भी कर सकते हैं या नीचे वाले से भी ऐसे लिखे जा सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि आपके सिग्नेचर क्रॉप ना हो, कटे ना कहीं से भी। और ऐसा करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं, मेरी जो सिग्नेचर है उनकी हाइट हो जाती है 507 और विड्थ हो जाती है 803। इसको मैं सेव करूंगा और साइज चेक करूंगा। इसको मैंने सेव कर लिया और इसका साइज बनता है 42 KB, मुझे 20 से 300 के बीच में चाहिए था, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। जो फोटो और सिग्नेचर चाहिए थे वो हमें जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए थे, बट जो आईडी प्रूफ लगाना है वो पीडीएफ फॉर्मेट में लगाना है। तो पीडीएफ के लिए हम पहले जेपीजी तैयार करेंगे, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। मुझे लगता है इसमें आपको आसानी रहेगी। जो जेपीजी है, जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट स्कैन कर लीजिए जेपीजी फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने किया हुआ, इसका साइज चेक कर लीजिए क्या है, क्योंकि जिस साइज की आपकी जेपीजी होगी उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा ही आपकी पीडीएफ तैयार हो जाएगी। तो इसमें मांगा गया था, जो रिक्वायरमेंट है वो मांगा गया था कि जो पीडीएफ फाइल चाहिए होगी 20 KB से 300 KB के बीच में चाहिए होगी, पर जो मेरा आईडी प्रूफ है उसका साइज है 1 MB मतलब 1000 KB, तो मुझे सबसे पहले इसका साइज कम करना है, 100 या 120 केबी के बीच में लाना है। तो उसको कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद पिक्चर मैनेजर कर लेंगे। आपको अगर ओपन विद पिक्चर मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, नहीं तो चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम्स में जाएंगे। अगर यहाँ पे ऊपर रिकमेंडेड प्रोग्राम में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो अदर प्रोग्राम्स पे नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे पिक्चर मैनेजर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो मेरे यहाँ पे आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से ओपन करूंगा,
मैंने अब इस जेपीजी फाइल का साइज कम करना है, एडिट पिक्चर में जाऊंगा और रीसाइज का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। रीसाइज में मैं यहाँ पे परसेंटेज में घटाऊंगा, अगर मैं 50% करता हूँ तो मेरी 50% तक अंदाजा फोटो का साइज कम हो जाएगा। 50% करने के बाद ओके करूंगा और इसको यहाँ से बंद करूंगा ताकि ये सेव हो जाए। सेव करने के बाद इसका साइज 351 KB हो गया है, पर हमें चाहिए 20 KB से लेके 300 KB के बीच। इसको दोबारा से पिक्चर मैनेजर में ही ओपन करेंगे और इसको एडिट में जाएंगे, दोबारा से रीसाइज करेंगे, इसको 70% तक और कम कर देंगे और इसको ऐसे सेव करेंगे। अब इसका साइज चेक करेंगे, साइज बना है 201 KB, ठीक है। हम गूगल क्रोम खोलेंगे, गूगल क्रोम में खोलने के बाद गूगल भरेंगे, गूगल खोलने के बाद इसमें भरेंगे जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर ऑनलाइन। इसको भरने के बाद हम सबसे पहली वेबसाइट खोलेंगे jpg2pdf.com। इसमें खोलने के बाद यहां पे आप जैसे कि देखेंगे अपलोड फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और जहां पे भी हमारी पिक्चर दी गई होगी उसको हम जो आईडी प्रूफ दिया गया होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये रहा आईडी प्रूफ जो कि मैंने तैयार किया था, साइज 200 KB था जिसका, जैसे कि आप देख सक रहे हैं। इसको ओपन करेंगे, ओपन करते सारे अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा और इसको कंबाइंड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कंबाइंड से इसके से हमारी एक पीडीएफ तैयार हो जाएगी जिसका साइज 209 KB बना है। इसको हम ओपन करके देखेंगे, ये हमारा पीडीएफ भी आईडी प्रूफ की तैयार हो गया है। ये मैंने जान के ब्लड किया गया है सिक्योरिटी रीजंस के कारण, पर आप अपना सही आईडी प्रूफ लगाएंगे तो सही दिखेगा वो। अब हम यहाँ पे ऑप्शंस लगा के देखेंगे, चूज फाइल फोटोग्राफ सेलेक्ट करेंगे, चूज फाइल सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और सेम चूज फाइल में हम अपना पीडीएफ जो हमने डाउनलोड किया था उसको चेक लगाएंगे और यहां से अपलोड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो लग गई, साइन लग गए और डॉक्यूमेंट भी मेरा अपलोड हो चुका है। फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए ताकि मैं और वीडियोस डाल सकूं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपके लिए और वीडियोस नहीं डाल सकूंगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।